अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. टुडेज़ टॉपिक इज़ ग्रामर्स रूल ग्रेड सॉरी दिस फॉर ग्रेड 8 एंड एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 विल डू दिस क्वेश्चन बाय ग्रामर्स रूल एंड व्हाट आर द फॉर्मूलाज ऑफ डूइंग द क्वेश्चन. देर आर टू फॉर्मूलाज फॉर वन फॉर एक्स एंड वन फॉर वाई. एक्स के लिए जो फॉर्मूला है ए एक्स मॉड डिवाइडेड बाय ए मॉड एंड वाई के लिए जो फॉर्मूला है ए वाई मोड डिवाइडेड बाई ए मोड. ओके फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट आउट व्हाट्स द सेट ई ए हियर. सो राइट ऑल द कोफिशिएंट्स इन योर इक्वेशंस. टू इज द कोफिशिएंट, माइनस टू इज द कोफिशिएंट, थ्री एंड टू इज द कोफिशिएंट. दिस इज ए सेट. ओके नाउ टू सॉल्व टू यू जस्ट हैव टू डू ए मोड फाइंड आउट करें ए एक्स मॉड फाइंड आउट करें ए वाई मॉड फाइंड आउट करें एंड देन वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट कर दें. सो सबसे पहले हम ये देखेंगे ए मॉड फाइंड आउट करने के लिए कि क्या ये क्वेश्चन आगे प्रोसीड हो सकता है. तो ए मॉड आप पहले फाइंड आउट कर लें. ए मॉड के लिए स्ट्रेट लाइंस बोथ साइड्स ऑफ सेट ऑफ ए, अगेन टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसे ही टू मल्टीप्लाई बाई टू नेगेटिव ऑफ हेयर ऑफ नेगेटिव फार्मूला टू मल्टीप्लाई बाई थ्री. ओके टू टूज आर फोर माइनस थ्री टूज आर सिक्स एंड दिस इज हेयर माइनस सिक्स. अगेन बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन हमने लास्ट अपने लेक्चर में किया था इन्वर्जन मैथड में, जिसमें हमने ए मॉड को फाइंड आउट किया. वो भी दिस इज द सेम प्रोसेस. ओके ए मॉड आ गया विच इज़ नॉट इक्वल टू जीरो. इसका मतलब है कि हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं. ओके अब आपने ए एक्स फाइंड आउट करना है. सो वट इज़ ए एक्स. ए एक्स की टर्म हमने पहले नहीं पढ़ी लेकिन हम यहाँ पे सीखेंगे. एक सेट आप बी यहाँ से निकाल लें. आपको पता है बी सेट क्या चीज़ होती है, आपके कोफिशिएंट्स 4 एंड 6. ओके अब आपने करना क्या है, करना ये है कि ए एक्स के लिए फॉर टर्म फॉर ए एक्स आपने क्या करना है, अपनी फर्स्ट रो को इस बी कॉलम के साथ रिप्लेस कर देना है. सॉरी फर्स्ट कॉलम को आपने इस b के कॉलम के साथ रिप्लेस कर देना है. कैसे हम क्या करेंगे, सेट a में फर्स्ट कॉलम की जगह ये b के कॉलम की वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे 4 एंड 6. बाकी मैट्रिक्स एज इट इज़ आ गया. ओके दिस इज़ ax. ओके अगर हम ay निकालना चाह रहे हैं, ay में हम क्या करेंगे, ay में अब हम सेकेंड कॉलम को इस b सेट के कॉलम के साथ रिप्लेस करेंगे. अब किसको, अब सेकंड को, वाई के लिए सेकंड को, वाई के लिए सेकंड कॉलम और एक्स के लिए फर्स्ट कॉलम. अब फर्स्ट कॉलम की वैल्यूज़ आप वाई के लिए एज इट इज़ लिखेंगे और सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर देंगे. यहाँ पे आ जाएगा 4 एंड 6. ठीक है अब आपने क्या करना है, ए एक्स का मॉड लेना है, ए वाई का मॉड लेना है. मॉड इज़ अ सिंपल थिंग, यू नो कि कैसे लेते हैं, स्ट्रेट लाइन ऑन बोथ साइड्स. ओके ए एक्स मॉड वो मैंने फाइंड आउट कर लिया और आप बहुत अच्छे से फेमिलियर हैं कैसे फाइंड आउट करना है. और ए वाई मॉड भी मैंने फाइंड आउट कर लिया. ठीक है अब आपने क्या करना है, सिर्फ हमारे फॉर्मूलाज में अपनी वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है. ए एक्स की जगह ए एक्स मॉड की जगह ए एक्स मॉड की वैल्यू पुट करें. ए एक्स मॉड की वैल्यू 20 और ए मॉड की वैल्यू थी आपके पास 10, सो वो रिप्लेस कर दें. ए एक्स मॉड की वैल्यू क्या थी आपके पास 20 और ए वाई मॉड की थी 10, ए मॉड की सॉरी 10. और यहाँ पे x ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इक्वल टू 2 ये आंसर आ गया. ठीक है अब y के लिए y की वैल्यू रिप्लेस करें. ए वाई मॉड की वैल्यू क्या आई आपके पास 0 और ए मॉड की 10, सो ए वाई मॉड की वैल्यू आपके पास क्या है 0 और नीचे a मॉड की वैल्यू सॉरी आपके पास क्या है 10. सो 0 डिवाइडेड बाई एनी थिंग इट बिकम 0. दिस इज़ योर आंसर. वेरीफाई अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं अपना आंसर, प्रोसीजर बिल्कुल सेम है जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था. आप चाहें तो अगेन वो वीडियो देख लें. ओके दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. वी हैव डन ग्रामर्स रूल. व्हाट्स योर होमवर्क, योर होमवर्क इज ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 के रेस्ट ऑफ द पार्ट्स, पार्ट 2 टू पार्ट 8 आपका होमवर्क है, जिसको आपने यूजिंग क्रैमर्स रूल करना है. ओके क्रैमर्स रूल. गुड लक टू ऑल ऑफ यू. खुदा हाफिज़.